हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, शाम को चाय बना रही थी, उसके साथ मैंने नमकीन वाली चाट बनाई थी। तो ये नमकीन है और उसके बाद ये जो एक मैं कुरकुरे का पैकेट लेके आई थी, ये कुरकुरे नाम से तो नहीं था बट अंदर कुरकुरे ही था, चुलबुले के नाम से था। और यहाँ पे खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया बस बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट रखे हैं मैंने। इसको इसी में ऐड कर दूँगी। और नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर जैसे नमक वगैरह कम रहता है तो डाल लेते हैं, बट इसमें नमक डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें नमक है, नमकीन में भी और कुरकुरे में भी। और ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया है। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। और इसके साथ मैंने बनाया था गर्मा गर्म चाय, तो ये चाट बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और एक इस तरह से नमकीन खाओ और उसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मिला के खाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। तो मैंने इसी तरह बनाया था चाट और साथ में मैंने बनाई थी चाय। और हमारा चाय और नाश्ता होने के बाद ये देखिए किचन की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हो गई है। और आज शाम को बनाने वाले हैं सत्तू पराठा और चोखा, तो उसकी तैयारी करनी है। और एक बार किचन को भी साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सत्तू पराठे की और चोखा की तैयारी कर रखी है और किचन भी साफ़ हो गया। बर्तन मैंने ऑलमोस्ट जितने भी थे सारे धो रखे हैं, बस जो आलू बॉइल किया था वो कुकर रह गया था। तो यहाँ पे देखिए अभी बनाएंगे हम सत्तू। तो ये चने का सत्तू, इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ लहसुन और साथ में कद्दूकस किया हुआ अदरक है, इसको मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें ऐड और नमक डालने के बाद मैं यहाँ पे अजवाइन और मंगरेला है, इसको मैंने अच्छे से हाथों से क्रश कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में ये कुटा हुआ जीरा और काली मिर्च है। उसके बाद एक लिया है मैंने आम का अचार, उसका मसाला और जो थोड़ा सा इसमें नींबू का रस ऐड किया है क्योंकि इसमें आम का अचार डाला है इसलिए नींबू का रस थोड़ा कम है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सरसों का तेल और जो आम का अचार होता है उसका जो पल्प है वो मैं निकाल लूँगी और सबको अच्छे से मिक्स करके जो स्टफिंग है वो तैयार कर लूँगी। सत्तू पराठा की स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब बना ले रही हूँ चोखा। तो यहाँ पे आलू, बैंगन और टमाटर है, सबको अच्छे से पका लिया है। उसके बाद इसका छिलका जो है उतार लिया है और साथ में मैं यहाँ पे इसमें कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, अदरक और लहसुन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। उसके बाद मैंने डाला इसमें सरसों का तेल और सबको अच्छे से मिक्स करके मैं चोखा तैयार कर लूँगी। और ये देखिए हमारा चोखा जो है बन करके तैयार हो गया है। अब बारी है सत्तू पराठे बनाने की। तो यहाँ स्टफिंग भी तैयार है, चोखा भी तैयार है। तो यहाँ पे तवा रख दिया है मैंने गरम होने के लिए। और ये जो घी है, मैं क्योंकि घी में बनाऊंगी सत्तू का पराठा, तो इसको थोड़ा सा रख के तवे पे मेल्ट कर लिया है और तवे को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो है पहला पराठा जो है वो बेल करके मैंने इस पर डाल दिया है और इसको मैं सेक लूँगी। पराठे को मैंने एक बार पलट लिया था, उसके बाद मैं इस पर लगा दूंगी घी और दूसरे साइड भी पलट करके इस पर घी लगा दूंगी और इसको उलट पलट करके मैं अच्छे से सेक लूंगी। दो पराठे मैंने बना लिए हैं, अभी मैं आप लोग को थाली लगा करके दिखाती हूँ। तो ये रहा, मैंने थाली ले रखा है लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चोखा और आलू, टमाटर,
टमाटर और बैंगन का है चोखा, साथ में मैं यहाँ पे कुछ सैलेड रखी हूँ तो काट करके, तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। खीरा है और प्याज है, उसके बाद ये आम का अचार, और साथ में मैंने रख दिए हैं पराठे। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखे हैं आम लाई थी तो आम था तो मैंने इसके साथ सर्व कर दिया है। आई होप आज का वीडियो जो है आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।